अजमेर आनासागर झील के नजदीक रहने वाले लोगों ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वो कई वर्षों से झील के आसपास निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा जबरन PLI लगाकर आनासागर झील के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कराया जा रहा है, जबकि वो लंबे समय से यहां रह रहे हैं और सरकार ने उन्हें बताया, फिर भी नगर निगम की ओर से विभिन्न स्थानों का सर्वे कराकर उनके मकानों के आगे रेड क्रॉस लगाए जा रहे हैं, जिस कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। इस संबंध में आज सभी परिवार मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे और इस संबंध में उचित समाधान की मांग की गई है, ताकि उन्हें और प्रताड़ित नहीं होना पड़े। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अजमेर के कुछ छुटभैया नेता जिन्हें आनासागर की ABCD तक पता नहीं है, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई, अपील की गई, PIL लगाई गई है। रिट भी क्या कहेंगे उसको, एक PIL लगाई गई है। और जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोडल अधिकारी समित शर्मा जी को नियुक्त किया गया, उनको भी यहाँ के इन छुटभैया नेताओं के द्वारा बड़े ही भ्रामक समाचार पहुँचाए जाते हैं और भ्रामक सूचनाएं उनको दी जाती हैं, जिसके आधार पर ये समित शर्मा जी जो हैं यहाँ पे कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। जबकि आज हम लोग पूरा ज्ञान लेने के बाद ही कलेक्टर साहब के पास या राज्य की प्रमुख मुख्य सचिव महोदय के पास भी गए हैं, उनको सभी दस्तावेज हमने उपलब्ध कराए हैं कि आनासागर सन 1947 में 1948 बीघा था, जो कि आज 1915 बीघा है पाथवे के निर्माण के बाद। आनासागर का इतिहास हम देखें तो आनासागर को हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। तो आज इस झील के संरक्षण के नाम पर हम इंसानों को ही जो उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, ये किसी भी तरह से न्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की जा कही जा सकती। आज आनासागर के चारों तरफ कई कॉलोनियां बस चुकी है, कई अस्पताल, कई मंदिर, कई व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। तो अब ऐसे में सिर्फ एक नगर निगम के अवैध अधिसूचना नो कंस्ट्रक्शन जोन, अवैध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2014 में नगर निगम ने इस अधिसूचना को जारी किया, तब नगर निगम के पास इस अधिसूचना को जारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार ही नहीं था। जब अधिकार ही नहीं था तो उसे जारी कैसे कर दिया। आज 2015 में इसके पश्चात राज्य का झील संरक्षण अधिनियम पारित हो चुका है और उसी के आधार पर यही BJP के नेता जो इतना शोर मचा के आनासागर के लिए शोर मचा रहे हैं, इन्हीं की सरकार थी 2017 में, उसने भी एक अधिसूचना जारी कर राज्य की सभी झीलों की सीमाएं निर्धारित कर दी, बकायदा उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अब उस सीमा के बाहर इस नो कंस्ट्रक्शन जोन के अधिसूचना को हथियार बनाकर आम आदमी को, आम जनता को परेशान करना, ये कहाँ का न्याय है। और जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों के बाहर रेड क्रॉस लगाए जा रहे हैं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और इसी के लिए हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की है, क्या रहा? कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की है और उन्होंने बिल्कुल हमारी पूरी बात को माना है और वो उनके अनुसार उनको सब ये बातें जानकारी में हैं, वो सभी दस्तावेज देख चुके हैं और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि यहाँ से वो बिल्कुल न्यायोचित रिपोर्ट बनाकर ही आगे नोडल अधिकारी को भेजेंगे। आपका परिचय? मैं अंशुल जयसिंघानी, निवासी वन विहार कॉलोनी।